अस्सलाम वालेकुम, मैं स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक है पिक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पिक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जैसा कि हमने पहले देखा कि जब मैनचेस्टर गुड्स इंडिया में पहुंचे तो इंडियन टेक्सटाइल्स को कितना धचका पहुंचा, इंडियन वीवर्स को कितना नुकसान पहुंचा, जिनके रोजगार इस वीविंग के साथ था, जो यहाँ लोकल यहाँ क्राफ्ट्समैन थे और वीवर्स थे, उनको कितना नुकसान हुआ। तो आज हम देखेंगे इसकी पिक्युलरिटीज क्या थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। यानी इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल हालात क्या थे। तो हम देखते हैं कि ये जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने यहाँ के इंडस्ट्रियल मार्केट जो है ये डोमिनेट किया था। यानी यहाँ अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, अब इंडियन मार्केट्स में भी यूरोपियन ये मैनेजिंग एजेंसी जो थी, इन्होंने यहाँ के मार्केट्स को डोमिनेट किया था। डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट्स जैसा कि हमने पहले देखा कि मैनचेस्टर गुड्स जो ब्रिटेन से आए, जो वहां के मेन मेड गुड्स थे, इंडस्ट्रियल गुड्स थे, जब वो इंडिया में या इम्पोर्ट हुए तो फिर यहाँ के जो इंडियन वीवर्स के जो क्लॉथ था, जो फाइन था, लेकिन वो ब्रिटेन के इन इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि उनका रेट जो था ये बहुत कम था और जिस वजह से वो इसका मुकाबला नहीं कर सके। अब इंडिया में भी धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई और ये इन्वेस्टर्स जो थे ब्रिटेन के और दूसरे पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनको कंसेशंस मिले थे, अब यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थी ये बहुत एक्सपेंड हो गई थी, डोमिनेट हो गई थी। और जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉटन मिल जो 1854 में वजूद में आई, इसके बाद फिर दूसरे ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं ये वजूद में आ गए। तो असल में जब यहाँ ये यूरोपियन ने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री शुरू की तो इसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं किया, बल्कि इन्होंने यहाँ इस कॉटन के साथ साथ जिसकी बड़ी डिमांड थी इंडियन मार्केट्स में भी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी इसकी डिमांड थी, तो इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ इन्होंने यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट से इन्होंने लैंड एक्वायर किया एट चीप रेट्स, सस्ते दामों इन्होंने यहां कॉलोनियल गवर्नमेंट से जमीन हासिल की। तो लैंड को एक्वायर किया और फिर इस पर प्लांटेशन शुरू की, टी एंड कॉफी प्लांटेशन, टी कॉफी एंड इंडिगो। इंडिगो जैसे कि हमने पहले देखा ये एक प्लांट है जिससे कलर निकलता है और इस कलर से क्लॉथ को डाई किया जाता है, ये यूरोप में इसकी बड़ी डिमांड थी और इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट से लैंड एक्वायर करके यहाँ टी की प्लांटेशन की, कॉफी की प्लांटेशन की और इंडिगो को भी ये जो कल्टिवेट किया इसकी भी प्लांटेशन यहाँ की बड़े बड़े फार्मर्स में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने सिर्फ किसी एक चीज में ट्रेड नहीं किया, बल्कि जिस जिस चीज में इनको मार्केट मिला इन्होंने इसमें काम करना शुरू किया, इसमें ट्रेड करना शुरू किया। और इस दौर में हम देखते हैं कि ब्रिटेन से यार्न भी, ये जो फाइन कॉटन जो है, कॉटन यार्न, यानी थ्रेड,
ये बड़ी अच्छी होती थी, ये भी वहां से इंपोर्ट होती थी, इसको भी यहाँ भेजा जाता था। और इससे पहले ये जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थी, इंडिया में जो काम करते थे, इंडियन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, हिंदुस्तान के अपने, ये भी कॉटन थ्रेड बनाते थे, लेकिन इंडिया का कॉटन थ्रेड जो था ये यहाँ के हैंडलूम वीवर्स इस्तेमाल करते थे। इंडियन कॉटन थ्रेड जो कॉटन मिल्स में तैयार होता था, कॉटन मिल्स में तैयार होता था, इसको हैंडलूम वीवर्स को बेचा जाता था। ये थ्रेड जो यहाँ कॉटन थ्रेड जो इंडियन इंडस्ट्रीज में तैयार होता था, इसको इसको हैंडलूम फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था, और इसको चाइना भी एक्सपोर्ट किया जाता था। चाइना, ये थ्रेड चाइना भी जाता था, और यहाँ लोकल हैंडलूम मिल्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था, ताकि इससे फैब्रिक बनाया जा सके। फैब्रिक यानी क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ के लिए ये जो कॉटन, ये यार्न है, तो इस यार्न को हैंडलूम मिल्स में इस्तेमाल किया जाता था फैब्रिक बनाने के लिए, और इसको और कुछ हिस्सा को ये जो चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था। अब जो हम देखते हैं कि 1906 से ये जो इंडिया का जो ये कॉटन, ये थ्रेड जो है जो चाइना जाता था, अब इसमें ये डिक्लाइन हो गया। ये यानी 1906 से कॉटन थ्रेड फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन थ्रेड डिक्लाइन। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि अब जापान से यहाँ प्रोडक्ट्स आने लगे, जापान से भी अब कॉटन के प्रोडक्ट्स आने लगे, और चाइना ने अपने मार्केट में भी अपना भी अब ये कॉटन के ये जो प्रोडक्ट्स हैं बनाने शुरू किए, और अब इंडियन इस कॉटन थ्रेड की इतनी डिमांड अब चाइना के मार्केटों में नहीं रही। इसलिए ये जो 1906 से हम देखते हैं कि कॉटन ये जो एक्सपोर्ट होता था ये चाइना को, तो ये मतलब डिक्लाइन हो जाता है। और अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद इंडिया ने अब वे आउट क्या किया, इसने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इन्होंने अब 1906 से अब इन्होंने सीधा ये कॉटन फैब्रिक्स बनाने शुरू किए, कॉटन टेक्सटाइल्स। अब ये टेक्सटाइल्स बनाने इन्होंने शुरू किए, क्योंकि अब यार्न की डिमांड नहीं रही, अब इन्होंने टेक्सटाइल्स बनाने शुरू किए। और हम देखते हैं 1900 to 1912, इट डबल्ड द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, डबल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ये डबल हो गई। तो इस दौर में हम एक कुछ चेंजेस भी आ जाती हैं कि ये ज्यूरिंग दिस ज्यूरिंग बिफोर ये जो वर्ल्ड वॉर है, बिफोर वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं कि बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अब शुरू होने वाला था, तो इससे पहले पहले जो थी ये अभी ये प्रोडक्शन जो अभी इतनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी ये इतनी ज्यादा नहीं थी, ये इतनी ज्यादा इंडिया में अभी ज्यादा नहीं थी। तो अब जब जंग शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब शुरू हो गया, तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी जो कॉटन बनाने, कॉटन प्रोडक्शन करती थी, कॉटन मिल्स जो ब्रिटेन में थी, अब इन्हें वॉर रिलेटेड मटेरियल बनाने के लिए कहा गया। अब ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी इन्हें अब गवर्नमेंट की तरफ से वॉर रिलेटेड यानी जंगी साजो सामान बनाने के लिए कहा गया, और अब कॉटन जो है, कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया के लिए वो फेल हो गया। अब कॉटन एक्सपोर्ट फॉर इंडिया वो फेल्ड, दैट फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बिकॉज ऑफ वॉर, वॉर रिलेटेड मटेरियल वॉज नीडेड नीडेड। तो अब ब्रिटेन की कंपनियां जो
ये कॉटन तैयार करती थी, कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते थे, जिसको हम मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स जो इंडियन मार्केट्स में वो भेजा करते थे, अब वो रुक गए। अब वो मैनचेस्टर वो जो प्रोडक्ट्स हैं, अब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कॉटन के जो वो इंडिया में बेचते थे, अब वो यहाँ नहीं बेच सके, क्योंकि जंग की वजह से अब इन्हें इंडस्ट्रीज को वहां अब रॉ ये वॉर रिलेटेड मटेरियल अब तैयार करने के लिए कहा गया। तो जिस वजह से इनकी ये जो मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स जो थे ये रुक गए, और अब इंडियन इंडस्ट्रीज को अब ग्राउंड मिल गया। अब इंडियन इंडस्ट्रीज जो इनको अब लोकल मार्केट्स पर पूरा कब्जा, अपनी पोजीशन हासिल हो गई, और इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं ये फ्लोरिश हो गई। अब इंडियन ट्रेड जो है इसके लिए मार्केट्स फिर साथ आ गया। तो जब इसको मार्केट साथ आ गए, तो इंडियन ट्रेड, इंडियन जो कॉटन है इसको अच्छा खासा, ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज को अच्छा खासा पैसा हासिल हुआ। लेकिन जब जंग, ये वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था, जो एक्सपेक्ट किया जाता था कि जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो 4-5 साल तक ये रहा, तो अब जो है, अब जो इंडिया में जो कॉलोनियल जो ये जो इंडस्ट्रीज थी, इन्हें भी कहा गया कि ऑफ वॉर रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट्स हैं तैयार करो। अब इंडियन इंडस्ट्रीज को भी वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहा गया। इंडियन इंडस्ट्रीज को इसमें इनको कहा गया कि जूट बैग्स वॉर रिलेटेड मटेरियल, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, और इसके साथ साथ बूट्स, टेंट्स, हॉर्स सैडल्स, और दूसरी जरूरी चीजें जो जो वॉर रिलेटेड हैं, इन्हें कहा गया। अब इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी, अब यहां काम जो है इंडस्ट्रीज का बहुत बढ़ गया, और इनको अब शिफ्टू में काम करना पड़ा। तो इस तरह से यहां भी इंडस्ट्रीज को ये मौका मिला कि यहां भी अब वॉर रिलेटेड चीजें बनाने के लिए ये ब्रिटिश डिमांड को, ये ब्रिटिश जो वॉर डिमांड थी उस वक्त, तो उसको पूरा करने के लिए अब इंडियन ये जो टेक्स इंडियन जो ये जो इंडस्ट्रीज थी, इन्हें भी कहा गया कि वॉर रिलेटेड मटेरियल आप तैयार करो। तो अब जब ऐसा हुआ, तो ये वीवर्स जो थे, ये हैंडलूम वर्कर जो थे, अब इन्हें पूरा मौका मिला, इन्हें अब पोजीशन मिल गई। अब इन्होंने खूब अच्छी तरह से इंडियन मार्केट्स पर अपनी पोजीशन हासिल कर ली, और अच्छा खासा पैसा कमाया, और रिवाइव हो गया फिर ये हैंडलूम्स और ये वीविंग, फिर रिवाइव हो गई इंडिया में। तो इसके साथ हम क्या देखते हैं, तो अब जब जंग खत्म हो गई, तो अब इंडिया जो है, अब ब्रिटेन जो है, अब उसने वो पुरानी पोजीशन जो मैनचेस्टर गुड्स के जरिए से जो प्रोडक्ट्स यहाँ वो भेजा करता था, और एक खास पोजीशन उसको यहाँ हासिल थी, अब उसकी वो पोजीशन नहीं रही। अब इसके वो मैनचेस्टर गुड्स जो हैं, वो अब इंडियन मार्केट्स में अपना वो पोजीशन हासिल नहीं कर सके, वो रिकैप्चर नहीं कर सके। और क्योंकि अब यूएस और जर्मनी से, जर्मनी के प्रोडक्ट्स जो थे ये बड़े मॉडर्नाइजर थे, अब ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स जो थे ये अब इन इन प्रोडक्टों के साथ कंपीट नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब जंग की वजह से भी इस ब्रिटेन की जो ये जो इकोनॉमी थी ये क्रिपल हो गई, और ये जो डिक्लाइन हो गई, इसके इंपोर्ट्स भी, इसके ये जो इंपोर्ट्स थे वो भी इंडिया में रुक गए, और यहाँ इंडियन जो लोकल इंडस्ट्रीज इंडिया के थे, अब इन्हें मार्केट मिल गया, और इन्हें अब पूरा पूरा मौका मिला इंडियन मार्केट्स में काम करने का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कुछ पिक्युलर चीज थी इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। तो इस हवाले से आज हमने ये देखा, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, तो वो हम कल देखेंगे। आज के लिए काफी है, शुक्रिया।